सभी साथियों को नमस्कार। मैं विकास कुमार अपना चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि मनरेगा योजना के अंतर्गत अब बकरी शेड योजना का वर्कआउट कैसे खोलते हैं। तो आज मैं आपको जो बतलाने जा रहा हूँ वह बकरी शेड योजना के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। तो आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो है हमको मनरेगा का होम साइट पे आ जाना है। होम साइट आ जाने के पश्चात देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन के बाद यहाँ पे क्विक एक्सेस है, उसके पश्चात यहाँ पे नीचे ग्राम पंचायत GPPS है, इस पर हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत का ऑप्शन है, उसके बाद डाटा एंट्री है, उसके बाद यहाँ आपका स्टेट है। स्टेट के बाद यहाँ पे देखिए कुछ स्टेट के पश्चात यहाँ पे कुछ डाटा एंट्री में आपको फुलफिल करना है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर फ्लैक्स यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट कर लेना है, जिला को सिलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है, पंचायत को सिलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात यहाँ पर आपको आईडी नंबर के साथ पासवर्ड दे देना है। अब देखिए यहाँ पे जो मेन डाटा एंट्री लॉगिन का ऑप्शन है इसमें यह खुल गया है। अब हमको यहाँ पे जो है D4 वर्क में आ जाना है। वर्क में आने के पश्चात यहाँ पे देखिए न्यू वर्क पे चलाना है। जब यहाँ चलाएंगे तो इस प्रकार का देखिए बहुत सारा ऑप्शन आपको भरना है। इसमें आपका सिलेक्ट मेजर है, यहाँ पे आ जाने के बाद देखिए बी में है, कम्युनिटी असिस्ट फॉर इंडिविजुअल में है, आपको इसी में चलाना है। यहाँ जाने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया है आपको। यहाँ पे सबसे नीचे जो है लाइव स्टॉक्स में आ जाना है। यहाँ पे बेनिफिशरी टाइप जो है वह इंडिविजुअल हो जाएगा। उसके पास चाहते यहाँ जो है सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आने के बाद लाइव स्टॉक पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ प्रस्तावित स्थिति जो है इसमें देखिए कैटल सेट, गोट सेट, पिगरी सेट, पोल्ट्री सेट है, तो हमको इसमें गोट सेटर में चलाना है। अब यहाँ पर जो आपका ये जो साइज बनेगा इसका साइज क्या रहेगा उसके बारे में दे देना है यहाँ पे, कितना बकरी रहना है उसके बारे में यहाँ पे दे देना है, आपका जो गांव है उसका गांव के बारे में दे देना है। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे ऑलरेडी से दिया हुआ है, यहाँ पे जो कहाँ बनता है तो नीचे में बनेगा। प्राथमिकता संख्या जो है आपका वह नंबर दे देना है। उसके बाद कार्य का तारीख जो होगा वह यहाँ पे दे देना है। यहाँ पर ग्राम सभा का डेट दे देना है। यहाँ पे कार्य का जो तारीख है वह कार्य का आपको तारीख दे देना है। उसके पश्चात इसमें लेबर में कितना पेमेंट जाएगा, इसमें कितना पेमेंट जाएगा तो यहाँ पे वह देना है। कुल मिलाकर जो है यहाँ पे कर देना है। अब यहाँ पे वर्क का नाम देना है। इसको हम स्मॉल लेटर में पहले कर लेते हैं। यहाँ पे हमने योजना का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे जो खाता संख्या है वह खाता संख्या जमीन का लिख देना है। प्लॉट संख्या जो जमीन का होगा वह लिख देना है। यहाँ पे एजेंसी जो है वह एजेंसी ग्राम पंचायत हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमको जाकर इसको सेव कर देना है। सेव कर देने के पश्चात देखिए इस प्रकार का ऑप्शन चलाएगा। अब यहाँ पर इसमें टोटल मैंडेज कितना होगा वह मैंडेज दे देना है। उसके बाद इसका बेनिफिशियरी कितना है तो यहाँ पे एक देना है। इसका जो प्रकार है वह क्या रहेगा वह यहाँ पे SC ST BPL जो भी है कंडीशन आप देख के दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जॉब कार्ड जो नंबर जो है और जॉब कार्ड नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। वर्तमान कंडीशन क्या है नोट एग्जिस्ट कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर जो है सेव का ऑप्शन है, अंत में अब हम इस पर सेव कर देते हैं। देखिए अब यह सेव हो चुका है, यह सेव हो चुका है और इसका वर्क कोड जो है यहाँ पे यह खुल चुका है। अब देखना चाहते हैं इसका डिटेल से, तो फिर जरा सा एक बार हम बाइक चलाते हैं और देखते हैं इसका डिटेल जो है किस प्रकार से है। तो हम इसको ज़रा सा होम चलाते हैं और होम में आ जाने के बाद यहाँ पे वर्क है, वर्क के बाद यहाँ पे इंडिविजुअल में है, एडिट का ऑप्शन है, हम इसमें चलाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं ग्राम चैनपुर में जो है काजल कुमारी। देखिए यहाँ पे ग्राम चैनपुर में काजल कुमारी जितेंद्र दास की जमीन पर बकरी शेड निर्माण जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से जो है हम बकरी शेड योजना का वर्कआउट बहुत आसानी से खोल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।